पल्ला तो वहाँ बीजेपी का ही है। वो पोस्टर लखमा जी का लगा है? लखमा जी का अभी जो है ना उन्हीं का है, उन्हीं का जोरदार है और कुछ ही का नहीं। मोदी है तो देश है, नहीं है तो कुछ नहीं। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ बिल्कुल, तो मोदी के सपोर्टर हैं आप? हाँ नहीं, मैं तो एक्चुअली मेरे पूरी खानदान कांग्रेस ही है, मगर मैं इनके कार्य को देखते हुए वो अच्छा लगा। इन्होंने बुजुर्ग लोग को हटा दिया था। अच्छा, हाँ क्या है ये जो किसी के क्रेडिट करना जानता नहीं, जिसे किसी को करना बोलना है क्या करना की इज्जत, ये इन्होंने कभी सीखा ही नहीं। इज्जत करना नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते। मैं तो महाराजा का को छोड़ता, जितनी पार्टियां लोग छोड़ते जा रहे हैं छोड़ छोड़ के गए, क्यों गए? कोई कारण तो होगा तू ना। आप किसी सम्मान दो तो आपको सम्मान मिले, सम्मान नहीं दो तो आपको कहाँ सम्मान। तो क्या लग रहा है कौन जीत रहा है यहाँ पे? भैया कार्य टक्कर है और 19-20 जहाँ तक बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। हाँ मेरे को तो यहाँ पे बीजेपी का फल लफाई लग रहा है। क्या कारण है? आप युवा भी हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि हम युवा हैं, युवाओं को रोजगार दे देंगे, 40 लाख की बात करेंगे, यहाँ पे लखमा जी भी हैं, तो क्या उनको सपोर्ट नहीं करेंगे? अब जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि अब देखो मोदी जी हैं, वो मोदी जी हमारे लिए बहुत काम कर रहे हैं, राम मंदिर देख लेते हैं हम, बहुत कुछ और भी है, तो उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे बीजेपी जीतेगी। गुरुदेव साय बहुत अच्छा आदमी, दिग्गज नेता है, उन्होंने भी हमारे प्रदेश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत सारे काम किए। बट एक्चुअली मैं देखा जाए तो बीजेपी में इंटू से उन्होंने डेवलपमेंट को एक अलग फेस में लेके गए, मतलब इंडिया को अलग हायरार्की में लेके जाना चाह रहे हैं, उनका मेरे को वो चीज़ अच्छा लगता है। तो लेकिन यहाँ पे लखमा जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने कितना विकास किया बस्तर के लिए? क्या विकास किया वो तो जनता खुद बता रही है। अगर कार्यकाल करते सही ढंग से, अच्छा कार्यकाल करते तो वापस सरकार उन्हीं की आती, जो अच्छा कार्यकाल कर रहे उनके लिए सब तैयार है। तो यहाँ पे मतलब जो भूपेश बघेल को उन्होंने आपने सफाया कर दिया उनका, वो तो दारू बेचे हैं और लोगों को उल्लू बनाए हैं, और क्या है। महेश कश्यप बीजेपी का, महेश कश्यप। यहाँ पे वोट है 19 तारीख को, किसका पलड़ा भारी लग रहा है यहाँ जी? बीजेपी का ही, महेश कश्यप जी। लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी कर रही है काम, तो भाजपा मोदी सरकार ही जीतेंगे। नमस्कार, इस समय हम हैं बस्तर में, बस्तर का जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र। यहाँ से कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक दादी, आपको पोस्टर दिखाई दे रहा होगा लखमा, ये यहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। यहाँ किस तरीके का माहौल है, हम यहाँ पे ग्राउंड पे आए हैं, देखते हैं यहाँ की जनता क्या कहती है, इस बार यहाँ से कौन जीत रहा है, इसका सर्वे हम सीधे यहाँ की जनता से करते हैं। भाई बाबा जी, क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार जैन। क्या कहेंगे अब चुनाव, यहाँ पे वोटिंग 19 को होने वाली है, क्या कहेंगे, किसका पलड़ा भारी है? पलड़ा तो वहाँ बीजेपी का ही है। वो पोस्टर लखमा जी का लगा है? लखमा जी का अभी जो है ना उन्हीं का है, उन्हीं का जोरदार है और कुछ ही का नहीं। मोदी है तो देश है, नहीं है तो कुछ नहीं। मोदी है तो मुमकिन है? हाँ बिल्कुल, तो मोदी के सपोर्टर हैं आप? हाँ नहीं, मैं तो एक्चुअली मेरे पूरी खानदान कांग्रेस ही है, मगर मैं इनके कार्य को देखते हुए वो अच्छा लगा। इन्होंने बुजुर्ग लोग को हटा दिया था। अच्छा, हाँ कांग्रेस ने, भूपेश बघेल ने बुजुर्गों की जो पेंशन थी वो भी बंद कर दी। हाँ बिल्कुल, उन्होंने मैं नहीं, पेंशन की बात नहीं है, मैं तो कांग्रेस ही कट्टर था, बोले यार डोगरा डागरा कोई जरूरत नहीं, बोले जवान आज भी होना चाहिए, बोले ठीक है भाई। अभी राहुल गांधी देख रहे हैं आप कैसे हैं? मोदी किसान सभी के सब ठीक है। तो क्या आप कट्टर कांग्रेस ही रही, परिवार भी आपका कांग्रेस ही रहा है? कांग्रेस का जिस तरीके का अभी प्रेजेंट है, राहुल गांधी बिल्कुल अलग दिशा में जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भाई क्या है ये जो किसी के क्रेडिट करना जानता नहीं, जिसे किसी को करना बोलना है क्या करना की इज्जत, ये इन्होंने कभी सीखा ही नहीं। इज्जत करना नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते। मैं तो महाराजा का को छोड़ता, जितनी पार्टियां लोग छोड़ते जा रहे हैं छोड़ छोड़ के गए, क्यों गए? कोई कारण तो होगा तू ना। आप किसी सम्मान दो तो आपको सम्मान मिले, सम्मान नहीं दो तो आपको कहाँ सम्मान। वो मोदी जी को लुटेरा वगैरह कहते हैं, अब उनको बोलने में किसी दस आदमी दस तय की बात करेंगे। तो ये मतलब आपको ये लगता है कि वो बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते? हाँ का ये चक्कर है। और क्या क्या योजनाएं आपको सही ना? अच्छी है यहाँ पर, सभी अच्छी है। ये दोनों पार्टी कार्य टक्कर में है। हाँ कुछ कर बस्तर, कल प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई, क्या असर है उसका? उसका कुछ तो असर होगा, उनको कुछ तो बेनिफिट मिलेगा। तो क्या लग रहा है कौन जीत रहा है यहाँ पे?
भैया कार्य टक्कर है और 19-20 जहाँ तक है बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, हाँ। तो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी। आपका नाम क्या है? राजा मंडावी। क्या कहेंगे इस बार चुनाव जो 19 तारीख को है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है यहाँ से? मेरे को तो यहाँ पे बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है। क्या कारण है? आप युवा भी हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि हम युवा हैं, युवाओं को रोजगार दे देंगे, 40 लाख की बात करेंगे। यहाँ पे लकमा जी भी हैं, तो क्या उनको सपोर्ट नहीं करेंगे? अब जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि अब देखो मोदी जी हैं, वो मोदी जी हमारे लिए बहुत काम कर रहे हैं, राम मंदिर देख लेते हैं हम, बहुत कुछ और भी है, तो उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे बीजेपी जीतेगी। बस्तर में बीजेपी कितना चेंज हुआ है पिछले 10 सालों में बस्तर में, आपने कितना? अब देखा जाए तो यहाँ पे नगानार का जो वो प्लांट खुल गया था वो वाला है, और जहाँ तक मैं तो बाहर से हूँ, मैं मेरा घर कांकेर में है, और मैं यहाँ पर पढ़ने आया हूँ, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। इंजीनियरिंग कर रहे हैं? हाँ। तो आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आप युवा भी हैं, आप जानते हैं कि कौन अच्छा है बुरा है, तो आप मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं? हमें मोदी, मैं बीजेपी वाला हूँ। हाँ। विष्णुदेव साई के बारे में क्या कहेंगे? वो बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे ये बताएंगे उनके परिवार। बताइए भाई साहब, आप विष्णुदेव साय बहुत अच्छा आदमी, दिग्गज नेता है, उन्होंने भी हमारे प्रदेश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत सारे काम किए। बट एक्चुअली मैं देखा जाए तो बीजेपी में इंटू से उन्होंने डेवलपमेंट को एक अलग फेस में लेके गए हैं, मतलब इंडिया को अलग हायरार्की में लेके जाना चाह रहे हैं, उनका मेरे को वो चीज़ अच्छा लगता है। वो चाहते हैं कि हम पूरे वर्ल्ड से कम्पीट करें, ये नहीं चाहते कि बस बेसिक नीड प्रोवाइड करना है, वो एडवांस भी हो रहा है, जैसे वेपन्स में हो रहे हैं। पहले अपन वेपन खुद अपने लिए बना नहीं पाते थे, आजकल अपन वेपन बनाते हैं, बेचते भी हैं, दैट्स व्हाई बीजेपी। तो बस्तर में क्या माहौल लगता है आपको? बस्तर में टिपिकल, मैं भी यहाँ का हूँ नहीं, मैं हूँ रायपुर का, बट बस्तर में मेरे को भी लगता है कि बीजेपी आ जाएगा। हालांकि कवासी लखमा जो दादी है उनका भी बोलबाला है या उन्हीं का गढ़ है ये, बट बीजेपी आ जाएगा मेरे को ऐसा लगता है, पर्सनली मेरे को लगता है। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी है, वो भी अच्छे नेता है, बट मैं उनके डिसीजन से खुश नहीं होता हूँ। वो कभी एक बात को, मतलब मिंटू से किसी चीज़ को बोलते हैं, फिर उसके अपोजिट जस्ट डायरेक्ट बोल देते हैं, दैट्स व्हाई वो उतने सही नहीं लगते मेरे को। चलिए भाई साहब, आप बताइए किस सरकार बनाना चाहते हैं इस बार? बीजेपी। बीजेपी बस्तर में बीजेपी का कमल खुल रहा है? बिल्कुल। क्या कारण है? कार्यकाल अच्छा है, जो चीज़ बोल रहा है उसके लिए एग्री एकदम, बिल्कुल, नो डाउट, वही काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो लेकिन यहाँ पे लखमा जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे, उन्होंने कितना विकास किया बस्तर के लिए? क्या विकास किया, वो तो जनता खुद बता रही है। अगर कार्यकाल करते सही ढंग से, अच्छा कार्यकाल करते, तो वापस सरकार उन्हीं की आती। जो अच्छा कार्यकाल करे उनके लिए सब तैयार है। तो यहाँ पे मतलब जो भूपेश बघेल को उन्होंने, आपने सफाया कर दिया उनका, वो तो दारू बेचे हैं और लोगों को उल्लू बनाए हैं, और क्या है। दारू के मंत्री तो यही रहे थे दादी, तो बस वही तो है। तो दादी जी को अब फिर क्या, सरकार में कहाँ दारू है बताओ, है? हाँ, तो बस वही है, दारू से बर्बाद कर दिया था, पूरा बर्बाद है। हाँ, एक दिल्ली में भी दारू का घोटाला चला, एक इधर भी चला, तभी तो गए ना केजरीवाल जी अंदर गए ना, ये भी जाएंगे, ये भी जाएंगे, बिल्कुल जाएगा, समय आएगा तो सब बदलेगा, इसमें क्या है। अच्छा, है? तो हाँ। मतलब आप महेश कश्यप जी के सपोर्ट में हैं, मोदी जी के सपोर्ट? मोदी जी के में, भाजपा। क्या कहेंगे आप यहाँ पे जो 19 तारीख को वोट है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है यहाँ पे? महेश कश्यप, बीजेपी का। महेश कश्यप भाई साहब, आपका नाम बताइए। जी संपत लाल। क्या कहेंगे यहाँ पे वोट है 19 तारीख को, किसका पलड़ा भारी लग रहा है यहाँ? जी बीजेपी का ही। महेश कश्यप जी, क्या कारण है कि यहाँ पे लखमा जी और उनके टक्कर में आप देखो कश्यप जी को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, उसको तो बता नहीं सकते हम, लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी कर रही है काम और अच्छा ही है। मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। क्या काम आपको पसंद आए? सब काम पसंद आया, जनधन योजना खाता, और घर घर में गैस सिलेंडर उज्ज्वल, और अपना जो भी योजना है बाकी आवास प्लाट वगैरह, वो सब बढ़िया। यहाँ पे लखमा जी के बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी बाहुबली, धन बल भी है उनके पास, पैसा भी है, तो क्या कहेंगे उनके बारे में? नहीं, उनके बारे में मेरे को मालूम नहीं जी। उनका जी, तो यहाँ पे मकान आवास वगैरह मिल रहे हैं? जी मिल रहा है। और जो महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं 1000 रुपये, वो भी मिल रहा है? वो भी मिल रहा है जी। तो विष्णुदेव साय अच्छा काम कर रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? तेजेश्वर भारती। किसकी सरकार ला रहे हैं इस बार? इस बार तो जो अच्छी होगी वो आएगी, फिर भी जिसको वोट देंगे वही तो आएगी। हाँ, वो तो देखा जाएगा, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम लोग, हमारे ऊपर है। 19 तारीख को किसको जिता रहे हो फिर? देखते हैं। फिर भी आपको क्या पसंद है, कौन अच्छा है? एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी है।
तो जो वेल एजुकेटेड है और जो पढ़ा लिखा है वो आए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। और नीति नियम जिसको भारत के पता हो उसे आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपके अनुसार कौन सा है? मेरे हिसाब से तो दोनों ही प्रत्याशी बेहतर है, मगर अब देखते हैं भाई वोट कौन आता है। मतलब आप छुपा रहे हो? अब डेमोक्रेटिक इंडिया है, अब तो छुपाया ही जाएगा ना थोड़ा सा। बाबा बताइए क्या नाम है आपका? खुलेश्वर सेठिया। क्या लग रहा है यहाँ का माहौल, कितना विकास हुआ है और यहाँ के जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं लखमा जी, उनके बारे में क्या कहेंगे? लखमा के बारे में तो हम लोग दूर के हैं, लखमा हम तो नहीं जानते उसके बारे में कुछ। बस्तर में कौन जीत रहा है इस बार? इस बार वो भाजपा मोदी सरकार ही जीतेंगे। मोदी सरकार। अभी यहाँ पर यहाँ के मुख्यमंत्री ने योजना ली, 1000 रुपये महिलाओं को मिल रहे हैं? मिल रहे हैं। क्या कार्य रहे ये कि जो मोदी सरकार को आप सपोर्ट कर रहे हैं? मोदी सरकार क्या, अभी मंदिर हम लोगों को जो सनातन धर्म वाले हैं हिंदू, तो उसमें 500 साल पहले से ही वो बनाए और बहुत कुछ किए। पहले तो कांग्रेस समय तो कुछ नहीं था, पहले बस्तर में यहाँ पे बोलते थे कि अशांति रहती थी, अब कितनी शांति है? अब बहुत शांति है, जैसे भाजपा यहाँ आई है उससे शांति मिली। मतलब यहाँ पे कानून व्यवस्था सही है? कानून व्यवस्था किसान के लिए भी सब, नहीं तो पहले तो कर्जा देते रहे, तुरंत धान उन निकाल के ले जाते रहे, तुरंत कुर्की कर देंगे बोलते रहे। अब ठीक है, जैसे भाजपा आए तो हम लोगों के लिए ठीक है।